हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2022-23 जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, डे एंड रेसिडेंशियल स्कूल, नर्सरी टू ग्रेड 7, दरभंगा समस्तीपुर रोड डीहलाही दरभंगा। देवरानी जेठानी कामी कॉम्प्लेक्स, मशरफ बाजार, सुभाष चौक दरभंगा, मेंस, लेडीज और किड्स वियर के साथ विंटर वियर, लहंगा, कुर्ती और शेरवानी। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2020-23 दार्जिलिंग की शिक्षिकाओं की देखरेख में पूर्णतः अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल प्री नर्सरी टू 10th, वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा। ओपनिंग ऑन 14th February फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नकाब, नूर जहां एवं महारानी फैमिली कलेक्शन, मेन रोड मौलागंज दरभंगा। जीजे ज्वेलर्स, राजकुमारगंज, मिर्जापुर दरभंगा, 25% तक की छूट मेकिंग चार्ज पर, डायमंड पर 20% का डिस्काउंट। नीट में सर्वाधिक रिजल्ट IITN और डॉक्टर्स द्वारा संचालित ग्रे मैटर खानका चौक दरभंगा लाया है जूनियर एंड जी सेक्शन। दरभंगा कोर्ट में बड़ी घटना, सिंहवाड़ा सिमरी के दो आरोपियों को दरभंगा न्यायालय से घसीटते ले गई सादी वर्दी में पुलिस, विरोध में 5 पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज। इस वक्त यह बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां दरभंगा कोर्ट में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। यहां सिंहवाड़ा सिमरी के दो आरोपी रंजीत महतो और मिथिलेश महतो को दरभंगा कोर्ट से घसीटते हुए सादे लिबास में पहुंची पुलिस ले गई है। स्थानीय अधिवक्ता इससे गुस्से में हैं और इस अमानवीय कृत्य के विरोध में 5 पुलिसकर्मियों पर, सिपाही राहुल कुमार, विपिन कुमार, जितेंद्र कुमार, सूरज कुमार और अनिल कुमार पर मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के एक मामले में पूर्व से समर्पित जमानत याचिका में न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई शुरू की। मौके पर उपस्थित होने आए 9 आरोपियों में से 2 रंजीत महतो और मिथिलेश महतो को सादे लिबास में पहुंचे 5 लोगों ने जबरन पकड़ लिया। बाद में बताया गया कि सभी पुलिसकर्मी थे। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय अधिवक्ताओं का गुस्सा चरम पर दिखा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी दोनों ने इसका जमकर विरोध किया, मगर अपने को पुलिसकर्मी बताने वाले सादे लिबास में पहुंचे इन 5 व्यक्तियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए न्यायालय प्रांगण से घसीटकर दोनों को अपने साथ ले गए। इस घटना से आसपास के लोग भी आक्रोशित हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ता भी गुस्से में आ गए। वहीं आरोपी को न्यायालय में समर्पण करने वाले को कथित पुलिस की ओर से न्यायालय में आत्मसमर्पण से रोकने और उन्हें घसीट कर ले जाने को गैर कानूनी हरकत बताते हुए इसकी घोर निंदा की गई है। कानून विशेषज्ञ अधिवक्ता कहते हैं कि तत्काल ऐसे पुलिसकर्मी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी इस आशय का आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है।